अस्सलामुअलैकुम असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैक्रोनी बन रही है। जी हाँ, ईद स्पेशल पे आप सभी ईद वाले दिन मैक्रोनी बनाइएगा और अपनी फैमिली को कर दीजिएगा खुश। बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाली है। मैक्रोनी का पैकेट हमने ले लिया है, एक और लेंगे थोड़ी सी। आज हम मुख्तलिफ किस्म की मैक्रोनी बनाने वाले हैं। एक दूसरे रंग की लेंगे हम मैक्रोनी। वो कॉर्न की शक्ल बनी हुई है और वो दूसरी जो है बीन्स की शक्ल बनी हुई है। ये दोनों मैक्रोनी उबाल लेंगे हम। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो रही है। हमने आधा किलो चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है। इसके अंदर ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे। डालेंगे हम टू टी स्पून भर के हम घी डाल देंगे। इसमें घी डाल के हम चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे। ये ईद पे ज़रूर बनाइएगा। मलाई टिक्का बना रही हूँ आज मैं, मलाई टिक्का मैक्रोनी बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। मैंने बैक कॉलर की मलाई टिक्का बोटी ले ली थी, उसके अंदर ये मसाला होता है और इसमें मैक्रोनी का पैकेट होता है। वो मैंने मैक्रोनी इसमें डाल दी। कुछ हाफ बैक कॉलर की ली थी, वो दूसरे कॉर्न वाली भी ले ली थी। तो दो कलर की मैंने बनानी है मैक्रोनी। मलाई टिक्का लेंगे, आज क्रीम भी इसमें डालेगी मलाई टिक्के में, और बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। मेरे साथ ही लेंगेगा भी आप। चिकन हमारा बोनलेस फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। हाई रखेंगे हम और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा 1 टीस्पून भर के। इसको अच्छे से कुक करेंगे हम। मलाई बोटी के अंदर अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टीस्पून भर के। सोया सॉस, सिरका जाएगा इसमें तकरीबन 2 टीस्पून भर के सिरका। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चिकन हमारा साथ ही कुक हो चुका है और बहुत ही नाइस सी खुशबू आ रही है। इसमें क्रीम जाएगी तकरीबन हाफ कप क्रीम डाल दी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको ठीक कर लेना है। ठीक है, 2 टीस्पून जो हमने घी डाला था वो आ चुका है और चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। फ्लेम को करेंगे बिल्कुल स्लो। और कोयला लेके आई हूँ मैं, एक कोयला गरम करूँगी उसका। इसमें हम डालेंगे, एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है कोयले के साथ। मैक्रोनी हमारी कुक हो चुकी है और मैं आपको इसका चेक करवा दी जाती है। इस तरीके की मैक्रोनी हो गई। ठीक है, मैक्रोनी हो चुकी है दोनों मैक्रोनी। अब हम इसको एक छंडी में डाल के पानी इसका लगाया कर देते हैं। इसमें केचप चली जाएगी तकरीबन हाफ कप। मैंने केचप ले ली, सिंपल केचप लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी हमारी बॉइल हो चुकी थी। इतनी ज़बरदस्त हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हमने जो डालना है मलाई टिक्का गोटी डालनी है। कोयले को मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ है, कोयला भी रखेंगे हम। कोयला हमारा गरम हो रहा है और मलाई टिक्का जो हमने रेडी किया हुआ है वो हम इसमें डाल देते हैं। मैक्रोनी में हमने एक लिया, एक छोटा सा हमने कोयला ले लिया था, इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसको डाल देंगे। नाइस सी खुशबू हमारी पूरी मैक्रोनी में आ चुकी है। मलाई टिक्के को हम मिक्स करेंगे। इतनी ज़बरदस्त हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म का जूसी सा क्रीमी क्रीमी सा मलाई टिक्का मैक्रोनी रेडी हो गई है। ज़रूर ईद स्पेशल पे ज़रूर बनाइएगा आप अपनी फैमिली के लिए, अपने मेहमानों के लिए, ताकि आपके मेहमान आपसे बहुत खुश होकर जाएंगे। ये आपकी शौक करती हूँ मैं। मज़ेदार किस्म की मलाई टिक्का बोटी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।